हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आइए आज पढ़ते हैं इंजन ड्राइंग का डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस का पैरेलल लाइन मेथड से। ठीक है, आज भी हम एक क्वेश्चन करेंगे पैरेलल लाइन मेथड का ही। ठीक है, पिछली बार हमने किया था पेंटागन में, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है पैरेलल लाइन मेथड से वो आता है सिलेंडर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करते हैं सिलेंडर वाला। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, जिसने कुछ किसी को समझ में ना आया तो आज फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस में दो मेथड होते हैं, पैरेलल लाइन मेथड और रेडियल लाइन मेथड। पैरेलल का मतलब समांतर रेखा विधि, रेडियल वाला त्रिज्यक रेखा विधि। ठीक है, पैरेलल में सिलेंडर आएगा लिखा हुआ क्वेश्चन में या प्रिज्म आएगा, रेडियल वाले में कोण आएगा या पिरामिड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये आप लोगों को सबको पता होगा कि अगर फर्स्ट एंगल में क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन फर्स्ट एंगल में दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी उसमें कंडीशन ये होगी कि एचपी से ऊपर होगा और वीपी के सामने होगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट सेकंड, थर्ड एंगल के लिए एचपी के नीचे होगा और वीपी के पीछे होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका ग्राउंड लेवल का है तो वीपी आपका कौन सा उसमें बनेगा, थर्ड एंगल में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल लाइन मेथड का ही। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या था, सिर्फ क्वेश्चन सेम था, मेथड भी सेम है। ठीक है, सिर्फ हमारा क्या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, पिछले वाले में रेगुलर पेंटागन आया था, लेकिन इस वाले में आज रेगुलर सिलेंडर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 mm एंड 50 mm बेस एंड एक्सिस 68 mm लॉन्ग ए रेगुलर सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन ग्राउंड ए सेक्शनल प्लान इंक्लाइंड एट 30 degrees टू द वीपी एंड पासिस थ्रू द डिस्टेंस 25 mm फ्रॉम इट्स बेस ऑफ एक्सिस ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। यानी कोई आपका सिलेंडर दिया हुआ है जिसका बेस 50 है, यानी 50 जिसका डाया दिया हुआ है। ठीक है, 60 mm उसका एक्सिस है। ठीक है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, अपने इट्स बेस ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर रखा है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो थर्ड एंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्शन प्लान इंक्लाइंड एट 30 degrees, यानी उसे उसके एक्सिस को एक ऐसे काटा गया है, यानी बाइसेक्ट किया हुआ है 30 degrees के एंगल पर। यानी उसका जो बेस है, यानी जो उसका एक्सिस है, एक्सिस का जो नीचे वाला उसका बेस होगा उससे 25 mm ऊपर से उसको क्या किया हुआ है, काट रखा है। ठीक है, तो अब हम उसको क्या करना है, क्वेश्चन का डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस करना है, यानी सतहों का विकास करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों, आपके सामने सिलेंडर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो उसका बेस है वो है 50 mm। ठीक है, ये बेस आपका कितना है, बेस दे रखा है 50 mm और आपका एक्सिस दे रखा है 68 mm। ठीक है, यानी उसका बेस तो है, यानी जो उसका व्यास होगा वो 50 mm होगा और उसका एक्सिस जो होगा वो होगा 68 mm। ठीक है, उसको 30 degrees के एंगल पर काटा हुआ है और 25 mm बेस से ऊपर। ठीक है, ये मैंने काट के दिखा रखा है, तो क्वेश्चन को बनेगा कैसे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि क्या बोलते हैं, हमें बनाना है सिलेंडर। यानी जब हम सिलेंडर को टॉप से दिखेंगे तो इसमें सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा। सर्किल का व्यास कितना है, सर्किल का व्यास दे रखा है 50 mm। ठीक है, तो हमें लेनी है इसकी रेडियस, रेडियस कितना होगा, यानी त्रिज्या 25 mm। ठीक है, तो 25 mm रेडियस लेने के बाद हमें क्या करना है, सर्किल बनाना है। यह आपका हो गया सर्किल। ठीक है, बेस आप लोगों सबको पता है ये सर्किल हो गया 25 mm का, और हमें पता है कि कहाँ पर ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ है, तो ग्राउंड लेवल की लाइन आपके नीचे का, यानी ये आपका थर्ड एंगल का क्वेश्चन है, तो ये आपके ग्राउंड लेवल पर मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब मुझे इसके करने हैं पार्ट, पार्ट हम कैसे करेंगे, इक्वल पार्ट करने हैं 8 parts। ठीक है,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे इनके नाम रखने हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। ए ओब्लिक वन, बी ओब्लिक, ठीक है बच्चों। देखो ये मैंने नाम रख, इसके नाम रख दिए हैं, ए ओब्लिक वन, बी ओब्लिक टू, सी ओब्लिक थ्री, टी ओब्लिक फोर, ई ओब्लिक फाइव, एफ ओब्लिक सिक्स, जी सेवन, एच एट, ठीक है। कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा थर्ड एंगल में, मैंने क्या किया बेस बना दिया इसका। अब मेरे को बनाना है इसका एक्सिस। एक्सिस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब इसका मुझे लेना होगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था सेम ऐसे कर लेना है, ठीक है। कैसे, देखो प्रोजेक्शन लेंगे हम, और प्रोजेक्शन लाइन हमारी बिल्कुल लाइट होगी, हल्की। सबसे पहले वही वन से करते हैं स्टार्ट, उसके बाद टू और एट एक साथ जाएगा, उसके बाद थ्री और सेवन एक साथ जाएगा, उसके बाद फोर और सिक्स, उसके बाद फाइव, ठीक है बच्चों। ये मैंने ले लिया प्रोजेक्शन, ऊपर से मुझे इसको कर देना है, ऊपर से मुझे इसको कर देना है क्लोज। अब आ जाओ एक्सिस पे, एक्सिस कितना है 68 mm, तो यहाँ से नीचे की साइड को मुझे 68 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको इसको इधर मिला दो, और इसको यहाँ पर, अब जितनी भी लाइन है सारी को हमें करना है डार्क, ये मैंने सारी लाइनों को कर दिया डार्क, ठीक है। अब इसको सेम ऐसे ही नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे नाम, कैसे देखो, देखो बच्चों मैंने नाम लिखे हैं कैसे, ए डैश यहाँ पर नीचे आएगा, बी डैश, एच डैश, ठीक है, बी डैश और एच डैश, फिर उसके बाद आएगा सी डैश और जी डैश, फिर डी डैश, एफ डैश और ई डैश, ऊपर ऐसे ही वन डैश, टू एट, टू एट डैश, थ्री और सेवन डैश, फोर और सिक्स डैश और फाइव डैश, ठीक है। ये आपके नाम आ गए। अब आपको आता है कि जो एक्सिस, उसका एक्सिस है वो हम वो कट किया हुआ है, बाय सेट किया हुआ है 25 mm अबव बेस, ठीक है। बेस इसका क्या है, बेस से नीचे से बेस, यानी जो आपका बेस है ए और ई डैश वाली लाइन है, यानी ए और ई डैश वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उससे उसका जो सेंटर पॉइंट आया था 3 और 7 नीचे से कितना 25 mm, मैंने सामने आपको दिखा रखा है 25 mm, ठीक है। और यहाँ से हमें कितने का एंगल बनाना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तीस डिग्री का एंगल, आपका बत्ती, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन लेने के लिए
ये आ गया ऐसे ही नीचे से। ठीक है, यहाँ से कोई भी दूरी छोड़ने के बाद एक लाइन ले लो, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद हमें आप लोगों को इसके पार्ट करना है, अलग अलग पार्ट। और पार्ट हम कैसे करेंगे, इसकी कोई भी दूरी ले लो प्रकार में, जैसे यहाँ पर ले लो ए और बी तक की दूरी, ए और यहाँ पर ले लो, देखो ए और बी तक की जितनी भी दूरी होगी प्रकार में होंगे एक बार ले ली। और आगे सारे के सारे हमने क्या किया, फिर चाप लगाना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ए से दू एक बी तक की मैंने दूरी ले ली, ये हो गया एक पार्ट। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही अगला, ये आपका दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, उसके बाद टू टू और एट, उसके बाद थ्री और सेवन, उसके बाद फोर और सिक्स, लास्ट में आपका। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, पहले वाले की तरह वन को टू से मिलाना है, टू को थ्री से, और वन को वन से मिलाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वन को वन, टू को टू से फिर से मिलाएंगे। वन को हमें मिलाना है टू से, और ये आपका कर्व आया, कर्व में आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को ऐसे करो मिलाना है, वन से टू को, टू से थ्री, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और लास्ट में वन। ठीक है, ये आप लोगों को फ्री हैंड मिलाना है, किसी प्रकार का यूज नहीं करना है, नहीं हमें क्या करना है, फ्री हैंड करो से हल्का सा करो देना है, फ्री हैंड करो देना है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, वही सेम इसमें नाम लिखना है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या तो वन लिख सकते हैं, वन थ्री वन, ठीक है, वन दूसरा वाला आपको क्या है टू। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है सोल्व। अगर आप लोगों को इसमें अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आप लोगों को इसमें पूछना हो, तो मुझे आप एक बार फिर व्हाट्सअप या कॉल कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो आप लोग मुझे। देखिए ये क्वेश्चन बन गया आपका कम्प्लीट। ठीक है, थैंक यू। और वही अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करना। ठीक है, थैंक यू।